अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए मटन स्टू की एक ईजी रेसिपी लेकर आई हूँ। इससे पहले कि मैं रेसिपी स्टार्ट करूँ, आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मटन बनाने के लिए, मटन स्टू बनाने के लिए हमने इसमें 1/2 kg मटन लिया है, 3 मीडियम साइज़ का अनियन लिया है जिसे मैंने फाइनली कट कर लिया था। साथ में हमने 1/2 कप ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, 4 अदद मैंने इसके अंदर होल रेड चिली ली है। आप साबुतान मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा। साथ में मैंने इसमें बड़ी इलायची ली है, ब्लैक कार्डमम, और ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 10 से 12 अदद, लौंग मैंने लिया है इसमें 5 से 7 अदद, सिनामिन, दालचीनी 1 स्टिक, योगर्ट मैंने इसमें 1/2 kg यूज़ किया है, और धनिया पाउडर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। आप इसमें साबुत धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और 1.5 टेबल स्पून ही सॉल्ट हमने ऐड किया है। चले आइए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम फिर उसके अंदर अनियन ऐड करेंगे। अनियन को हमने बिल्कुल कलर नहीं देना, बिल्कुल गोल्डन नहीं करना। जब ये अच्छे से पिंक हो जाएगी अनियन, तो हम इसमें अपने गरम मसाले ऐड करेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें गरम मसाले ऐड कर देंगे। नीचे गरम मसाले ऐड कर दिया हमने, अब हम इसको भूनेंगे अच्छे से, और हम इसको हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक अनियन हमारा गलना ना शुरू हो जाए, लेकिन हमें इसे गोल्डन बिल्कुल नहीं करना। आप देख सकते हैं अनियन बिल्कुल गोल्डन नहीं है और अनियन अब गलना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें मटन ऐड करेंगे, और मटन को हम अच्छे से भूनेंगे। जब मटन का कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, और हम इसको फिर भूनेंगे। लीजिए यहाँ अदरक लहसुन भी डल गया। अब हम इसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे, बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि मटन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन भी अच्छे से पक जाए। ये रेसिपी आप लोग को ज़रूर बनानी है, ज़रूर, और मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। अब हमारा अच्छे से अदरक लहसुन भी पक चुका है, मटन भी अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हम इसमें अपने सारे मसाले डाल सकें, स्पाइसेस ऐड कर सकें इसके अंदर हम। नीचे स्पाइसेस ऐड हो चुके हैं, अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जब हमारे स्पाइसेस अच्छे से भून जाए, तेल ऊपर आ जाए, उसके बाद हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। योगर्ट को हम पहले अच्छे से फेंट लेंगे और फिर हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। योगर्ट ऐड करके हम इसको खूब अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इसका दही का पानी भी सूख जाए और तेल ऊपर आ जाए, तब तक हमने इसे भूनना है। इसे अच्छे से मिक्स करके आप इसको ढक के रख दीजिए।
देखिए यहाँ पे योगर्ट अच्छे से भुनना शुरू हो चुका है, इसका पानी भी खुश्क होना शुरू हो चुका है। तेल ऊपर आ रहा है और योगर्ट भुन रहा है, लेकिन हम इसे अभी ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये और अच्छे से भुन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं योगर्ट अच्छे से भून चुका है, योगर्ट का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें 2.5 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे, हम गर्म पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे एक टिप देती चलूँ, पकते हुए गोश्त में हम कभी ठंडा पानी ऐड नहीं करते। अगर हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे तो हमारे गोश्त करने का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। अगर हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे तो हमारा गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। इसमें हमने पानी ऐड कर दिया, अब इसको हम बॉईल आने तक थोड़ा पकाएंगे, फिर हम इसको ढक करके रख देंगे। और हमने इसको पानी ऐड करके हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे। जब इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा और ये भुन जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, हम इसके अंदर भी धनिया और हरी मिर्ची डाल के इसे दम पे रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ करके। आप इसे रोटी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसे घर की रोटी या बाज़ार की रोटी किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, ये दोनों के साथ बहुत यम्मी लगता है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।